हेलो मित्रों नमस्कार स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मरुद्र क्लासेज में मित्रों आज हम बात करने वाले हैं पी टी, -टी फीस रिफंड को लेकर के बात करेंगे तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि, कि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों आप यही सोच रहे हैं कि हमारा पी फीस रिफंड कब तक आएगा आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया पी फीस रिफंड के लिए आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया होगा उसके बाद में आपने जो पाँच हज़ार रुपये की फीस है वो भर दी और अगर आपका इन केस कॉलेज नहीं मिला या फिर जिनको कॉलेज मिल गया बाईस हज़ार रुपये भी जमा कर दिए लेकिन रिपोर्टिंग के समय आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं रहे किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ ऐसी स्थिति में आपके जो फीस रिफंड वाला था तो वो फॉर्म आपने भर लिया और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी तक फीस रिफंड आई क्यों नहीं बैंक अकाउंट भी चेक कर रहे थे आई नहीं आई तो ऐसी स्थिति में मैं मित्रों आपको बता देता हूँ कि पीटीटी बोर्ड जो फॉर्म आपने अभी अप्लाई किए हैं वह चेक करेगा आगे भेजेगा जो सही जानकारी है वो आपकी जानकारी बैंक के पास में भेज देगा और बैंक आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा अगर आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह नाम वगैरह मिला नहीं होता है तो इनकेस आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं डाले जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से ऑप्शन दिया जाएगा जो संशोधन करने का तो वो भी आप कर सकते हैं मित्रों मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो आपके फीस रिफंड वाली बात करें तो आपके समय तो लगेगा दो महीने मान सकते हैं आप अप्रैल और मई मैं। मई मैं महीने के अंदर आपके फीस रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे तो सभी के मई मैं महीने के अंदर बैंक अकाउंट में फीस आना स्टार्ट हो जाएगी ये थी कुछ जानकारी पीटीटी के बारे में जो कि आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे कि सर अभी तक पीटीटी की फ़ीस रिमंड आई क्यों नहीं आपने फॉर्म भी भर लिया है और फॉर्म भरने के बाद में किसी किसी भाई ने तो सत्ताईस हज़ार रुपये भरे थे जिनके किसी मार्कशीट की वजह से या फिर जाति प्रमाण पत्र की वजह से एडमिशन नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में वो तो बहुत सारा जो डर में है कि क्या हमारा बाईस हज़ार और पाँच हज़ार रुपये ये सभी आएंगे कि नहीं आएंगे तो इनके इसमें बता दूं मित्रों कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आपका जो कॉलेज के पास में कोई डाटा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनकेस बात करें कि आपके जो फ़ीस पूरी आपने भरी थी वो पूरी तो नहीं मिलेगी लगभग आप मान सकते हैं कि हज़ार रुपये काट लिए जाएंगे और जो बाकी वाले पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत